बच्चों वेलकम बैक अवर यूट्यूब हेलो बच्चों वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लेके आए आपके लिए 28 मार्च का जो पेपर हुआ था आपका बच्चों कक्षा 8वीं का इंग्लिश का पेपर, उसकी आंसर्स के बच्चों वीडियो को एंड तक वॉच करिए। सारे प्रश्न के आंसर मैं आपको एकदम रियल बताऊँगी और ये जो वीडियो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा क्योंकि किसी के पास ये पेपर अभी तक नहीं आया है। हमें बहुत मुश्किल से ये पेपर मिला है क्योंकि बच्चों जो एग्ज़ाम होती है ना आपकी 8th स्टैंडर्ड की, तो तभी आपको जो पेपर देते हैं उसी में आपको आंसर लिख के देना होता है। तो पेपर आपको घर ले जाने नहीं मिलता, इस वजह से पेपर के आंसर्स की कोई अपलोड नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमने इतनी मुश्किल से आपके लिए ये पेपर मंगवाया है, तो बच्चों वीडियो को एंड तक वॉच करिए। हर एक प्रश्न की क्वेश्चन आंसर की जानकारी एंड तक ज़रूर से देखिए। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट वन में हम आ जाते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों उनके जवाब। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपको जो हमारी स्टडी विलेज की वेबसाइट है आपको वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, तो उनके क्वेश्चन आंसर आप लास्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए द फर्स्ट में आ जाएगा द, क्या आ जाएगा, द सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स। फिर ही कट्स द स्टेप ऑफ द हार्ड आइस। थर्ड में आ जाएगा बिपिन बाबू इज वर्किंग हियर फॉर अ लास्ट ईयर। क्या आ जाएगा बच्चों, हैज वर्कड, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हैज वर्क हियर फॉर अ लास्ट ईयर। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट। तो इसमें आ जाएगा बच्चों डी, यानी कि कंप्यूटर फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड, मैट कैट ईट बैट। ओके, मैट कैट ईट बैट, ये जो ईट है बच्चों इसका थोड़ा अलग साउंड आ रहा है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एसेंट, यानी कि इसका आ जाएगा बच्चों एसेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा क्लाइम। क्या आ जाएगा बच्चों, एसेंट यानी क्लाइम। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ विल द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर अ जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। तो इसमें विल आ जाएगा। फिर आ जाते हैं पार्ट टू में, पार्ट में द बियर इज अ वाइल्ड एनिमल, इट हैज शार्प टीथ, इट कैन क्लाइंब ट्री एंड ईट फ्रूट्स लाइक बियर्स, इट हैज लॉट ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी। ओके, जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा ये वन, ये आ जाएगा सेकेंड में आपका आ जाएगा शार्प, थर्ड में आ जाएगा थ्री, फोर्थ में आ जाएगा फर। फिर आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर पे प्योर फॉर्म, तो वैली का यहाँ पे वैलीस आ जाएगा VALLEIES वैलीस। ओके, चाइल्ड का चिल्ड्रन आ जाएगा CHILDREN चिल्ड्रन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में क्या है, ब्यूरो BORROWS ब्यूरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अनहैप्पी UNHAPPY अनहैप्पी। फिर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, डैश मस्ट यूज टू क्रॉस द रोड, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मस्ट यूज टू क्रॉस द रोड, ऑलवेज ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। ओके, तो इसमें आ जाएगा ये सेकेंड में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम चिल्ड्रन शुड होल्ड हैंड्स ऑफ एडल्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्या आ जाएगा बच्चों, वाइल क्रॉसिंग द रोड। फिर यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जॉर्डी वेंट टू द किचन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इट वॉज द नाइट ट्रेन। एक सेकेंड। ओके, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट ट्रेन। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट थ्री में दिया गया आपको क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट वॉज द व्यू ऑफ द ऑथर अबाउट कैम्ब्रिज। तो यहाँ पे चलिए बच्चों हम यहाँ पे वो टिक करके बता देते हैं कि भाई आपका जो क्वेश्चंस के आंसर है वो क्या आएगी। ओके, बात कर लेते सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में, हु इज़ अ वर्थी सक्सेसर ऑफ आइज़ैक न्यूटन। फिर आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी पढ़े उनके क्वेश्चन के जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे बच्चों, तो एंड तक ज़रूर से वीडियो को वॉच करिए। सबसे पहले है रिमेंबर, तो फॉरगेट आ जाएगा, एबल तो अनेबल आ जाएगा। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए, व्हाट डिड द गाइड मेंशन अबाउट स्टीफन हॉकिंग, व्हाट वॉज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग, व्हाट वॉज द टाइम गिवन बाय असिस्टेंट टू द ऑथर टू मीट स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, व्हाट सिग्निफिकेंट दैट द रेन आर कम टू एन एंड। ओके,
तो क्या सिग्निफिकेंट है यहाँ पे? फिर नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द फोन इन अ फ्यू डेज? व्हाट विल हैपन टू फोन इन अ फ्यू डेज? देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, इन अ फ्यू डेज फोन विल स्टार्ट टर्निंग येलो, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फिल्म ग्रीन एंड अपराइट. ओके, ये आ जाएगा इसका जवाब. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे आपको भी बताया अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर, तो क्या आ जाएगा? ये जी, यानी कि जी से गो डाउन. क्या आ जाएगा बच्चों? गो डाउन. इनमें दिया होगा अगर कहीं दिया हो तो ग्राउंड, नहीं ग्राउंड तो नहीं होगा, गो डाउन ही आना चाहिए. देखो बच्चों, गो डाउन, ये रहा गो डाउन की स्पेलिंग. ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हु पुट्स ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स? व्हाट हैपन इन द लास्ट डे ऑफ द ऑगस्ट? रीड द पैसेज एंड राइट अ प्योर फॉर्म. सीट का आ जाएगा यहाँ पे, सीट्स. ओके, हु वॉज एडिसन्स बेस्ट टीचर? ओके, थॉमस अली इन्वेंटेड द, एक मिनट, यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई कौन बेस्ट टीचर था इसका, तो ओके मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको. ओके, एडिसन, एडिसन्स बेस्ट टीचर वॉज हिज मदर. ओके, फिर वाई डिड द टीचर टर्न एडिसन आउट फॉर द स्कूल? ओके, तो इसका क्वेश्चन का जवाब इनमें से हम ढूंढ के फटाफट बता देते हैं आपको. वॉट, ओके, इसका जवाब आ जाएगा द पजल टीचर थॉट हिम टू बी स्टूपिड एंड नॉटी एंड टर्न हिम आउट टू द स्कूल. ओके, ये आ जाएगा इसका आंसर. ओके, यहाँ से आएगा ओन्स ही आस्क हिज टीचर हाउ टू काइट्स कुड फ्लाई विथआउट विंग्स. द पजल टीचर थॉट हिम टू बी स्टूपिड एंड नॉटी एंड टर्न हिम आउट ऑफ द स्कूल. ओके, फाइंड द प्लूरल फॉर्म. तो काइट का काइट्स आ जाएगा और एग्स का एग्स आ जाएगा. हाउ डिड द स्पॉइल हिज स्पोर्ट्स? ओके, तो यहाँ पे लिखा गया हाउ डिड द स्पोर्ट ही स्पॉइल, यहाँ पे बता देंगे वीडियो कैन भी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा. हु इन्वेटेड इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब? तो क्या बोलते हैं, थॉमस अल्वा एडिशन इन्वेटेड द लाइट बल्ब. ओके, नाउ वर्ड, तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड बताएं. कन्फ्यूज का आ जाएगा कन्फ्यूजन. ओके, यहाँ पे आपको स्टोरी दी गई है उसका. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, फिर उस सेकेंड लाइन आएगी, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस आफ्टर वेकिंग अप. आई हैव माई ब्रेकफास्ट 8 AM. आई गो टू स्कूल 9 AM. आई गेट बैक होम 8. जैसे कि फर्स्ट में ये आ जाएगा, सेकेंड में ये आ जाएगा, थर्ड में ये आ जाएगा, फोर्थ में ये आ जाएगा, फिफ्थ में ये आ जाएगा. ओके बच्चों, अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 में, यानी कि ग्रामर पार्ट में. ग्रामर पार्ट बच्चों बहुत ईजी आया था. यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी थी आपके ब्रदर को. मैंने पेपर में पूरा बताया था कि ये आपका जो राइटिंग लेटर, पूरा लेटर है, यही आने वाला है. आपको अपने क्या बोलते हैं, एल्डर, आपकी एल्डर बहन की शादी है और आपको अपने हेड मास्टर से एप्लीकेशन लिखनी है कि भी आपको छुट्टी मिले. ओके, तो इसलिए यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन दिया है, सॉरी लेटर दिया है. फिर आपको यहाँ पे दिया है और एक पैराग्राफ, उसको देख के आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ दिया गया है उसको आपको यहाँ पे, और आप कुछ ऑप्शंस भी दिए, उसी अकॉर्डिंग आप अपना जो क्या बोलते हैं पैराग्राफ पूरा कर सकते हो. किन किन उन बच्चों ने अच्छे से लिखा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. और अगर आपको वो नहीं आती तो यहाँ पे एक स्टोरी भी दी है, लाइन स्ट्रिपिंग अंडर द ट्रीज. ओके, एक लाइन था वो ट्री के नीचे सो रहा था, फिर एक चूहा आता है उसको बहुत परेशान करता है, वो वाली स्टोरी जो थी चूहा और लाइन की, वो स्टोरी आपको देखने मिली आपकी एग्जाम्स में कक्षा 8वीं के. तो बच्चों सारे क्वेश्चन वही आए जो हमने आपको प्रोवाइड किए थे बच्चों. तो आई होप आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आएगा. अब हम बात कर रहे थे पेपर के जो क्वेश्चन आंसर्स और जो ग्रामर का जो पोर्शन है उसके आंसर्स की. तो चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, राजस्थान के RBSE बोर्ड की एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यानी कि स्टडी विलेज, StudyVillage स्टडी विलेज आपको सर्च करना है गूगल पर जाकर, और संपूर्ण पेपर के आंसर्स की फटाफट से डाउनलोड कर लेनी है. अगर आपने उस प्रकार से आंसर्स लिखे हैं तो आपको 80 में से 80 मार्क्स लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता बच्चों, है ना. तो फटाफट से जैसे ही वीडियो एंड हो फटाफट से गूगल ऊपर जाइए, स्टडी विलेज सर्च करिए, संपूर्ण पेपर के आंसर्स की फटाफट से वॉच करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद. वहाँ पर आपको हर एक पेपर भी मिल जाएगा और हर पेपर की आंसर्स की भी मिल जाएगी. ओके बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.